देखिए यहाँ पर ये बना करके लेकर के आए हैं। वर्ल्ड कप इन इंडिया इज द बिगेस्ट फेस्टिवल एवर सेलिब्रेटेड, 2011 विल बी रिपीटेड टुडे, ट्रैवल फ्रॉम देहरादून। देहरादून से कौन आया है यहाँ पर? आप आए हैं, अरे वाह, क्या नाम है? सर मेरा नाम शोभित विरमानी है। मैं पूरे इंडिया में इकलौता फैन हूँ जिन्होंने विराट कोहली पे किताब लिखी है। जोरदार तालियां एक बार। तो जैसे कि आप रिकॉर्ड्स की बात कर रहे थे जो कि विराट कोहली ने तोड़े हैं, तो वो रिकॉर्ड्स हर कोई कमेंट्री में बताता है कि वो रिकॉर्ड्स तोड़े हैं, तो वो ये रिकॉर्ड्स जो हैं इस पूरी डायरी में लिखे गए हैं जो आज तक तोड़े गए हैं। अरे एक बार जोरदार तालियां, ये इनके जैसा फैन मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसमें टेस्ट के, वनडे के, T20 के जो जो छोटी छोटी डिटेल है वो इसमें लिखी गई है। और जो ये मेरे एक पेज निकाल करके दिखाइए दर्शकों को, क्या 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 आप इसमें नोट डाउन करते हैं? जैसे कि विराट कोहली तीनों फॉर्मेट के है, टेस्ट, ODI, T20, तो ये इसमें तीनों फॉर्मेट के रिकॉर्ड्स हैं कि कैसे कैसे वो तोड़ते हैं। और अभी जैसे 58 ODI सेंचुरी बनी है तो वो रिकॉर्ड अपडेट होना बाकी है, क्योंकि अभी फाइनल में भी बना सकते हैं। 51 हो सकती है। जी बिल्कुल। और मेरे हिसाब से मैन ऑफ द टूर्नामेंट उन्हें 2014 और 16 में T20 का मिला था, तो इस बार 711 रन हो चुके हैं। अगर अगले में वो परफॉर्म करते हैं तो ये वाला भी उनको मिलेगा, क्योंकि सचिन सर का रिकॉर्ड था 673, वो भी टूट चुका है। अच्छा, और इस किताब में क्या क्या लिखा गया है उनके बारे में? ये पहली वाली किताब थी, तो इसमें क्या है, इसमें मैंने अपनी फैन जर्नी लिखी है। अच्छा। कि मैं विराट कोहली से क्या क्या सीखा है और कैसे मैं उनसे इंस्पायर हुआ हूँ। तो जब कैसे इसमें से कोई बुक भेजी थी तो इसकी फर्स्ट पेज पे उन्होंने मुझे ऑटोग्राफ करके भेजा था, और वो ऑटोग्राफ हमेशा के लिए यहाँ मेरे हाथ पे टैटू बना हुआ है। ये विराट कोहली का रियल ऑटोग्राफ है जो कि मुझे मिला था, तो अगर आप गूगल में भी देखेंगे तो ये रियल वाला नहीं मिलेगा। तो ऐसी कोई एक, जब भी हम इन जर्नीज की बात करते हैं, कोई ऐसा इसमें कोई इमोशनल भी, कुछ ऐसी भावुकता वाली भी कोई ऐसी चीजें इसमें मेंशन की गई हैं विराट कोहली के सफर की? विराट कोहली के सफर की मैं ये वाली बता सकता हूँ कि एक आशीष नेहरा ने उन्हें अवार्ड दिया था जब वो बहुत छोटे थे, जब वो स्कूल से ही खेलते थे, पर एंड में क्या हुआ कि आशीष नेहरा ने उसकी कैप्टेंसी में वो लिया संन्यास, तो वो भी एक बहुत बड़ी चीज है। और दूसरा, मैंने एक सचिन तेंदुलकर का भी चैप्टर डाला था इसमें, क्योंकि सचिन सर जो है उनके इंस्पिरेशन है, तो सचिन सर ने क्या करा है कि सचिन सर ने उसको इंस्पायर करा है और आज उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है, जहाँ पे उन्होंने बोला था आई हैव बीन प्लेइंग वेल फॉर 2 ईयर्स व्हाइल सचिन तेंदुलकर हैज सर्व्ड द नेशन फॉर 24 ईयर्स। देखिए, क्योंकि दोनों की जो कहानियां हैं उसमें एक जो सबसे बड़ी सिमिलैरिटी जो ये नजर आती है, जब सचिन तेंदुलकर खेल रहे थे और वर्ल्ड कप चल रहा था और उनके पिताजी का देहांत हो गया था मुंबई में, वो आए आकर के एक दिन जो यहाँ के रिचुअल्स में शामिल हुए, वापस जाकर के उन्होंने सेंचुरी बनाई। सेम विराट कोहली के साथ है, रणजी ट्रॉफी में खेल रहे थे, उनके पिताजी का देहांत हुआ, वो गए, आए और आकर के बेस्ट परफॉर्मेंस दी। तो कहीं ना कहीं ये एक जो मतलब फैमिली का इतना बड़ा साया जाना और उसके बाद भी ऐसी परफॉर्मेंस दिखाना, ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसको भी आप इंक्लूड करेंगे आने वाली वॉल्यूम में तो ये काफी बेटर रहेगा। जी जी जी, ये फर्स्ट वाली बुक में भी है, क्योंकि विराट कोहली सिर्फ हर वे में इंस्पायर करते हैं, पर मेरी इंस्पिरेशन हुई थी 2012 में जब उन्होंने 133 रन मारे थे और चेस कर रहा था 321 40 ओवर्स में। आज मॉडर्न क्रिकेट इतना ऊपर पहुंच चुका है, पर आज भी अगर किसी टीम को 40 ओवर के अंदर 321 मारने हो तो हाथ पैर कांप जाते हैं, पर उन्होंने जो मलिंगा को तोड़ा था तो उसी दिन अपना अनाउंस कर दिया था कि मैं किस तरह का बड़ा खिलाड़ी बनने वाला हूं, और आज वो हमें 11 साल बाद देखने को मिल रहा है कि उनके 50 ODI शतक हो चुके हैं 277 इनिंग्स में करें, जबकि सचिन सर के 452 इनिंग्स में थे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, और यहाँ ये रिकॉर्ड्स जो काफी मायने रखते हैं, और भी लोग यहाँ आ रहे हैं बड़ी संख्या में, उनसे बात करें। आपका क्या नाम है? किरण ज्योति बारे। कहाँ के रहने वाले हो? ओडिशा से रहने, अभी अब अहमदाबाद में रह रहे हैं। अच्छा, तो कल के लिए एक्साइटेड हैं? कल के मैच के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है हम। तो क्या लग रहा है, अभी दिवाली मनाई है अहमदाबाद ने, फिर से दिवाली मनाएगा अहमदाबाद? ऑफ कोर्स, बिल्कुल फिर से दिवाली मनाएंगे, क्योंकि हमें तो पूरा भरोसा है कि इंडिया ही जीतेगा और इंडिया ही यहाँ से वर्ल्ड कप लेकर जाएगा। कौन फेवरेट है आपका अभी इस टीम में? विराट कोहली और शुभमन गिल। विराट कोहली और शुभमन गिल, तो शुभमन गिल भी इस ग्राउंड पर अच्छा परफॉर्म करते हैं हमेशा से, तो कल का क्या एक्सपेक्टेशंस है? कल जैसे करते आ रहे हैं वैसे भी कल ही करेंगे, कल भी वैसे ही करेंगे, अच्छा ही खेलेंगे, और पूरे एक्सपेक्टेशंस है कि फिर से सेंचुरीज मारेंगे वो लोग। और बॉलिंग में कौन अभी बेस्ट लग रहा है? अभी तो मोहम्मद शमी, जिन्होंने 7 विकेट लिए है, अभी वर्ल्ड टॉप पे है वो। इसमें तो कोई नो इफ नो बट वाली कहानी है, मोहम्मद शमी तो एक तरफा। आपका क्या नाम है? वनश्री बारी। आपको क्या लग रहा है, कल के लिए तैयार हैं फिर से? तैयार है। तीसरी बार फिर से ट्रॉफी उठाएगी टीम इंडिया? इंडिया टीम उठाएगी। छठी बार उठाने के लिए ऑस्ट्रेलिया भी तैयार है इस बार? नहीं, इंडिया ही उठाएगा। इंडिया ही उठाएगा। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम ब्रह्मानंद बारिक। जी ब्रह्मानंद जी, क्या लग रहा है आपको, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी थोड़ी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है? कॉम्पिटिशन तो टॉप रहेगा,
लेकिन इंडिया ही जीतेगा ऐसे लग रहा है। तीसरी बार ट्रॉफी उठाएगा। और सामने मैक्सवेल, वार्नर और ये सब भी हैं। ये लोग खेलेगा, वार्नर भी बहुत चैलेंजिंग है, वार्नर एंड मैक्सवेल। और इसके अलावा अपना बॉलिंग स्ट्रॉन्ग है इस बार, दिस इज द मतलब स्ट्रॉन्ग पॉइंट। मेरे को लग रहा है कि शायद ओवरकम करेगा, ऑस्ट्रेलिया का जो हर्डल है शायद इस बार ओवरकम करेगा, लेकिन फाइट टॉप रहेगा। क्या लग रहा है, सेम कॉम्बिनेशन के साथ उतरने वाले हैं या कुछ? कॉम्बिनेशन तो सेम रहेगा, कॉम्बिनेशन अश्विन लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं और अश्विन का जो परफॉर्मेंस रहा है लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन ऑस्ट्रेलिया के सामने, तो क्या कुछ हो सकता है? एक मैच में शायद चेंज नहीं करेंगे, लेकिन जो टीम चली आ रही है अगर इनको चेंज करना है तो शायद बीच में चेंज करते हैं, लेकिन अभी शायद चेंज नहीं करेंगे। जी जी, आप नहीं कर रहे थे? शायद लग रहा है कुलदीप यादव को चेंज करें। क्या चीज़? कुलदीप यादव को शायद लग रहा है अश्विन की जगह से, अश्विन अश्विन को लेके। उनका हमेशा से ऑस्ट्रेलिया के सामने और लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन ऑस्ट्रेलिया में चार हैं, ट्रेविस हेड हैं, वार्नर है, उनके सामने रिकॉर्ड्स अगर आप देखें तो अश्विन हमेशा चोक करते हैं उनको। अच्छा है, उसका रिकॉर्ड अच्छा है अश्विन का ऑस्ट्रेलिया के। जडेजा भी है ना, रविंद्र जडेजा है और उसका आईपीएल फाइनल का एक्सपीरियंस है पिच के लिए, तो जडेजा इज द मोस्ट। उस बार तो हमने फाइनल में देखा था धोनी ने उठा लिया था उनको, धोनी भावुक हो गए थे। तो उठाएगा इस बार, रोहित उठाएगा जडेजा को इस बार, रोहित उठाएगा। हाँ सामने से है ना, सामने से है ना, पैट कमिंस भी सामने से बोला है कि इंडिया के पास सबसे बेस्ट हम लोग हथियार है मोहम्मद शमी के नाम से, शमी है तो हम लोगों के पास में मोस्टली बेस्ट बॉलर तो पड़ा हुआ है, चाहे कितना भी कुछ कर लो, भले आर अश्विन में लो या नहीं लो, मिडल ऑर्डर तो है ही हमारे पास में, लेकिन हमारे पास बेस्ट मिडल ऑर्डर भी हमारा स्ट्रांग है, ओपनर भी स्ट्रांग है, तो वी होप के इंडिया विल विन द इंडिया को वो बिल्कुल अच्छे से स्टार्ट मिल रहा है। रोहित शर्मा इज डूइंग वेल विद शुभमन गिल एज वेल, एंड शुभमन गिल का तो ये होम ग्राउंड है, एज यू कैन नो दिस इज द गुजरात टाइटंस ऑफिशियल स्टेडियम। एंड आपके पास मोहम्मद शमी है, बुमराह है, सिराज है, सबके वर्ल्ड के बेस्ट टॉप थ्री स्पेसर है। आप शमी को देखिए, हाईएस्ट विकेट टेकर बन चुके हैं, पूरे मैचेस खेले भी नहीं, अगर पूरे मैचेस खेलते मैं रैंकिंग में बिलीव इसलिए नहीं करता, वो बाबर आजम को बना रखा वो नंबर एक दो पर, वो जिम्बाब्वे के सामने जाके दो मैच परफॉर्मेंस करते थे। पाकिस्तान का क्रिकेट ब्यूरो सामने से आकर के बेस्ट टीम बोलेगा नेपाल को, तो फिर तो कोड़ी वही 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 वो रैंकिंग में वही देखने को मिलता लग रहा है। एक्सपेक्टेशन किससे, परफॉर्मेंस सबसे धांसू किसके आने वाली है? विराट कोहली से ही है अभी तो, विराट कोहली लीडिंग रन स्कोरर भी चल रहे हैं इस वर्ल्ड कप। हाँ उन्होंने सेंचुरी पूरी की ना इस साल, इसीलिए हम सारे बहुत एक्सपेक्टेशन रखे उनसे। क्या लग रहा है, एक और सेंचुरी करेंगे? हाँ ऐसी एक्सपेक्टेशन तो रखते ही है। पहले विराट कोहली पहले ऐसे क्रिकेटर हैं अंतरराष्ट्रीय यहाँ पर अगर क्रिकेट की बात की जिन्होंने वनडे में जो है 50 शतक लगाए हैं, पहले पहले ऐसे जो है यहाँ पर वो क्रिकेटर बन चुके हैं, तो कल भी एक्सपेक्टेशन है। हाँ हमने रखी है बहुत सारी एक्सपेक्टेशन। मेरे बर्थडे के दिन ही मारती, बर्थडे का तोहफा मिल गया। पचास पेंसिल मैंने बर्थडे के दिन ही मारती, तो कल क्या 51वें का इंतजार है? मारेगा सर, डेफिनेटली।